शुभोदय बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग? देखो हम आज नारायणा लाइव क्लास में ये वर्णमाला असाइनमेंट के बारे में हम स्वर जानना चाहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, क्या है? आओ पत्थरों पर एक एक स्वर को बैठाए, ठीक है। और ये पहले से इधर आ का वर्ण लिया है और ये दो वर्ण गायब है बच्चों, आपको पता है। ये आपके बाद क्या क्या आ जाएगा? आपको आ जाएगा, ठीक है। और आ के बाद क्या आ जाएगा? ई और ई, पहले से ही ये वर्ण लिखा हुआ है। ओ, फिर इसके बाद ऊ, ठीक है। और ये री और ये ए, पहले से ही लिखा हुआ है ए वन। इसके बाद क्या आता है बच्चों? आई, फिर इसके बाद ओ और ये आओ, पहले से ही लिखा हुआ वर्ण है पत्थर पर। देखो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, ठीक है। और ये अ अनुस्वर है, आहा जैसे अनुनासिक स्वर है। तो बच्चों आज ने हम वर्णमाला में स्वर जान पहचान कर लिए हैं और आगे व्यंजन के बारे में हम जानकारी लेंगे। बच्चों इससे पहले हमने स्वर लिखा है, ठीक है, जान पहचान कर लिया है वर्णमाला में। और स्वर के बाद व्यंजन होता है और ये रहा आपका ये व्यंजन है, ठीक है। व्यंजनों को क्रम से इल्ली, यानी कि ये इल्ली है, ठीक है, कैटरपिलर पर बैठाना है, ठीक है। और हम आज पढ़ेंगे ख व्यंजन, ठीक है। ख का वर्ग का खा होता है, फिर उसके बाद घ घ नी, चा वर्ग का छ पहले से ही लिखा हुआ है, छ ज ज ञ छ, ता 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 वर्ग का त थ द द ना, ठीक है। इसके बाद ता वर्ग में त त ध ध न, प वर्ग प फा भ भ भा में आप शिरोरेखा ध्यान देना चाहिए, भ म या व ल व श श और ये स हा, इसे हम व्यंजन कहते हैं। वर्ग के हिसाब से खा से लेकर हा पर हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद संयुक्त अक्षर व्यंजन कहलाता है, क्ष त्र न श्र। फिर एक बार हम व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। ख ख घ घ नी, छ छ झ झ ञ, ट ठ ध ड ण, थ थ द द न, फ फ ब व म, य र ल व शे श स ह, ठीक है। इसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के अंक कितने होते हैं बच्चों? 33
होते हैं, ठीक है। क्षर प्रत्यय ये भी व्यंजन है, लेकिन संयुक्त अक्षर व्यंजन